चलिए जान लेते हैं एटीए के विदेशी खिलाड़ियों के बारे में जिनको उन्होंने आईएसएल सीजन 6 के लिए साइन किया है। तो स्पेशल इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएसएल सीजन 6 के लिए एटीए के विदेशी खिलाड़ियों के बारे में जिनको उन्होंने साइन किया है आईएसएल 2019-20 के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एटीए ने टोटल 8 विदेशी खिलाड़ियों को साइन किया है, जहां पर से दोस्तों 7 ही खिलाड़ी रजिस्टर होगा आईएसएल खेलने के लिए। और कौन सा 7 विदेशी खिलाड़ी होगा वो तो हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, आगे चलकर हमें पता चलेगा। जो जितना अच्छा ट्रेनिंग में करेगा वहाँ से ही उनको सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों पहला विदेशी खिलाड़ी ऑगस्ट गार्सिया, जो कि स्पेन से बिलोंग करता है और उनका दोस्तों मेन पोजीशन है सेंटर बैक। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है दोस्तों जेवी हर्नांडेज, ये भी स्पेन से बिलोंग करता है और इनका मेन पोजीशन है दोस्तों अटैकिंग मिडफील्ड, साथ साथ दोस्तों लेफ्ट विंग और राइट विंग पर भी ये खेल सकता है। उसके बाद तीसरा खिलाड़ी है दोस्तों डेविड विलियम्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है और इनका मेन पोजीशन है दोस्तों सेंटर फॉरवर्ड, यानी कि आप लोग स्ट्राइकर की भूमिका भी यहां पर देख सकते हो इनको। और इनका अगर दूसरा पोजीशन देखा जाए तो लेफ्ट और राइट विंग पर एक खेल सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है दोस्तों एडू गार्सिया, जो कि स्पेन से ही बिलोंग करता है और उनका दोस्तों मेन पोजीशन है लेफ्ट विंग, साथ साथ दोस्तों राइट विंग पर भी वो खेल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है दोस्तों दरियो हिदोसिच, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है और इनका मेन पोजीशन है दोस्तों अटैकिंग मिडफील्ड, साथ साथ राइट और लेफ्ट विंग पर भी ये परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी दोस्तों रॉय कृष्णा, जो कि फिजी से बिलोंग करता है और इनका मेन पोजीशन है दोस्तों लेफ्ट विंग, साथ साथ दोस्तों राइट विंग और सेंटर फॉरवर्ड यानी कि स्ट्राइकर की भूमिका भी ये खेल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों जॉन जॉनसन, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करता है और उनका मेन पोजीशन है दोस्तों सेंटर बैक, साथ साथ राइट बैक पर भी ये खेल सकता है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट और आठवां विदेशी खिलाड़ी है कार्ल मैक, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करता है और उनका मेन पोजीशन है दोस्तों डिफेंसिव मिडफील्ड, साथ साथ दोस्तों सेंटर बैक और लेफ्ट बैक पर भी एक खेल लेता है। तो ये रहा 8 विदेशी खिलाड़ियों का नाम जिनको एटीके ने साइन किया है आईएसएल सीजन 6 में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। और यहाँ से 7 विदेशी खिलाड़ी रजिस्टर होगा और जब भी इसके बारे में कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा एटीए के टीम की तरफ से, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और मैं आपको बाकी टीमों का भी विदेशी खिलाड़ियों के बारे में वीडियो देने वाला हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।